आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जैसे कि जिन लोगों को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, ठीक है, दांतों में झंझनाहट सी पैदा होना, संवेदनशील होना, जैसे कि हॉट चीजें या कोल्ड चीजें लेते हैं तो दांतों में लगती है, झंझनाहट सी होती है, दांतों में सड़न पैदा होती है, ये जैसी समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है दांतों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लेके आए हैं इमोफॉर्म आर टूथ पेस्ट के बारे में। ये दोस्तों जो इमोफॉर्म और टूथपेस्ट जो होता है, इसमें क्या कंपोजिशन होते हैं और दांतों की कौन कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए फायदेमंद होता है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। चलिए दोस्तों, ये जो टूथपेस्ट होता है इसके हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड होती है, इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट होती है, इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होती है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में। तो पहला बेनिफिट होता है, जैसे कि जिन लोगों के दांतों में क्या होता है भाई, झंझनाहट सी होती है, दर्द होती है, कुछ खाते पीते हैं तो दांतों में लगती है, ये दोस्तों एक कारण क्यों होता है, जैसे कि हमारे ब्रेन से क्या होता है, नर्व पास होता है इस तरह से, जिसको ट्राइजेमाइनल नर्व बोलते हैं। तीन नर्व होते हैं जो इस तरह से यहाँ हमारे ऑप्थेल्म से आते हैं, ऑप्थेल्मिक के लिए, जो कि हमारे विजन के लिए, सुनने के लिए कारण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी मैक्सिलरी में आते हैं एंड दोस्तों मैंडिबल में आते हैं, इस तरह से तीन नर्व होते हैं। तो ये जो मैंडिबल जो नर्व होता है कभी कभी कंप्रेस हो जाता है या डैमेज होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे दांतों में झंझनाहट सी पैदा होने लगती है, ठीक है, जिसको दोस्तों संवेदनशील दांत बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें पेन भी होता है, दर्द भी होता है, अजीब सी फीलिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में इमोफॉर्म आर टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों झंझनाहट के अलावा जिसके दांतों में दर्द होता है, पेन होती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिनके दांतों में प्लेक होती है, यानी कि सड़न पैदा होती है, दांतों में एक मोटी सी परत जमने लगती है, जिससे कि क्या होता है भाई, प्लेक रिमूव नहीं होता है और दांतों में सुराख बनने लगता है, सड़न पैदा होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। इसके लेने से आपके दांतों से रिमूव होने लगते हैं प्लेक, ठीक है, इस तरह से। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि जिन लोगों के मसूड़ों में, गम में क्या होता है भाई, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े कमजोर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हैं, हमारे मसूड़ों को स्ट्रांग बनाने का काम करती है, ठीक है। बात करें दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, तो जैसे आप अपने घर में सुबह शाम कोलगेट का यूज करते हैं, सेम उसी तरह आप इस टूथपेस्ट का, यानी ये भी एक कोलगेट ही है, जिसको आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों शाम को आप खाना खाने के बाद इसका ब्रश से यूज कर सकते हैं, सुबह में ब्रश से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये रही दोस्तों इमोफॉर्म आर टूथपेस्ट की पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।